बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से जब मामा जी थे उसी समय से बक्सर आने के लिए हम लोग इच्छा करते थे, लेकिन आज वो इच्छा पूरी हुई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। धार्मिक स्थल है लेकिन इसका विकास इस तरह से नहीं हो पा रहा है। देखिए बात यह है कि धार्मिक स्थल है, धार्मिक ही रहे, क्योंकि आजकल तो विकास के नाम पे जो धार्मिक स्थल है उनको भी बर्बाद कर दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे तिरुपति? इसलिए मंदिर विकास ऐसा हो जो धार्मिक ही रहे तब तो ठीक है, नहीं तो ना विकास अच्छा है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में, तिरुपति बालाजी में जो कुछ हुआ है वो पूरे हिंदू समाज के साथ विश्वासघात है और कड़ी से कड़ी सजा जिन लोगों ने ये किया है उनको मिलनी चाहिए। स्वामी जी, गौ बचाने के लिए आपकी ये मुहिम चल रही है? गौ बचाने के लिए हर हिंदू चाहता है, हर हिंदू की इच्छा है कि गौ माता की रक्षा हो और उनका सम्मान सुरक्षित रहे। उन्हीं हिंदुओं की आवाज को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या गौ माता का राजनीतिकरण हो गया है उन पे? भाई राजनीतिकरण हो जाएगा उससे हमको कोई लाभ नहीं है। हमें तो गौ माता की जो प्रतिष्ठा पहले से हमारे परंपरा से हमारे पूर्वजों ने दी थी उसी को हमको सुरक्षित रखना। क्या धर्म का राजनीतिकरण हुआ है? हो ही रहा है। राजनीतिक लोग धार्मिक भावना का दोहन कर रहे हैं और सत्ता में आ जा रहे हैं। बताइए, हम हिंदू, बहुमत किसका है भारत में? हिंदुओं का। हिंदुओं की वोट लेकर के सरकारें बन रही हैं। 78 साल हो गया और हिंदुओं की जो सबसे बड़ी मांग है गौ हत्या बंदी की, उसको पूरा नहीं कर रही हैं। ये क्या हो रहा है? तो हम हिंदुओं का वोट लेकर के हमारी ही माता को काटोगे और काट करके उसका मांस बोटी बोटी करके बेचोगे? ये क्या है? अब हिंदू नेताओं को ललकारेगा, ये नहीं हो सकता है। क्या जो तिरुपति बालाजी महाराज सनातन धर्म को समाप्त करने की साजिश? हाँ, ये साजिश है, बिल्कुल बड़ी साजिश है, हमारी पवित्रता को खंडित करने का उपक्रम है। गौए जो है सड़क पर लोग छोड़ देते हैं, वो प्लास्टिक ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि घोषणा हो जाए राष्ट्रमाता के रूप में। अयोध्या में जो हम लोग शिलान्यास के समय की मंदिर में छेदा है, मैं भी संयोग से दो बार गया और वहाँ कुछ लोगों से बात की थी, तो जो बिजली का वायर है वो उस वायर से पानी टपक रहा था, न कि उसमें कोई दोष। भाई ये बिजली के वायर से पानी जो टपक रहा है तो क्यों टपक रहा है? क्योंकि अभी पूरा 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 निर्माण नहीं हुआ है। जी जी, इसीलिए बिजली का वायर खुला हुआ है। आपका जो बयान आया वो क्या उस संदर्भ में ठीक है? हमारा बयान इसके बारे में आया ही नहीं। जब हमसे पूछा गया कि वहाँ पानी टपक रहा है, हमने कहा भाई अधूरे निर्माण में तो पानी टपकेगा ही, हमने ये नहीं कहा। हमने तब कहा था जब प्रतिष्ठा करने की बात कही जा रही थी कि अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा मत करो। बागेश्वर बालाजी जो महाराज है, क्या वो चमत्कार करते हैं या कुछ और? भाई अब कोई भी चमत्कारी आ जाए, हम लोग तो चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। जैसे आपके द्वारा कहा गया था कि जोशी मठ को सही। हाँ ठीक है, हमने तो एक बात कही, बहुत सारी समस्याएं हैं देश में हम लोगों के सामने, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कोई चमत्कारी आगे आए, केवल किसी एक का नाम क्यों लेना है? दूर कर दे। गौ बचाने के लिए गौवंशों को क्या चाहिएगा? गौ बचाने के लिए दो तरीका है, एक तो सरकार कानून बना के उनकी प्रतिष्ठा को, उनके प्रोटोकॉल को सही करे, और दूसरे धर्म प्रचारकों पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप रखते हैं, वर्तमान समय इस विडंबना पे क्या कहेंगे भाई? ये तो होता ही रहेगा, धर्म प्रचारकों को अपना काम करना है।